नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत में तबाही मचा रही है। रोजाना नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है। मरीजों को बेड के अलावा ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत की मदद के लिए तमाम देश आगे आए हैं और भारत को इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई भेज रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने केंद्र सरकार पर ठीक तरह से काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार विदेशी मदद को लेकर जिस तरह से बार बार अपनी छाती थपथपा रही है वो दयनीय है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, विदेशों से मिल रही मदद पर भारत सरकार का बार बार छाती ठोकना दयनीय है। अगर भारत सरकार ने अपना काम किया होता तो ये स्थिति नहीं आती। बता दें कि कांग्रेस ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पारदर्शिता की मांग करते हुए विभिन्न देशों से भारत को मिली राहत सामग्री से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक करने का आग्रह किया था। बता दें कि ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस समेत कई देश कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। मई की शुरुआत होते ही विदेशों से भारत में विमानों के जरिए वेंटिलेटर, दवाइयां और ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। रविवार तक दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 25 विमानों के जरिए 300 टन राहत सामग्री पहुँच चुकी है। कोरोना वायरस के नए मामलों ने भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राज्य सरकारों ने कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन समेत अन्य प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा असर होता नहीं दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में 3,66,000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3,754 लोगों की जान गई है। इसके अलावा भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 2,26,62,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 2,40,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।